नमस्कार बंधुओं, क्या आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़की आपको भाव नहीं देती, वो आपसे प्यार नहीं करती है? क्या आपका प्यार एक तरफा है? अगर आपके प्यार में सच्चाई है और आप सचमुच पवित्रता के साथ उस लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करें, 100% कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। यदि आप किसी लड़की को अपने वश में करना चाहते हो, तो आप लड़की पटाने के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन मंत्रों का प्रयोग वो लोग करते हैं जिनको उनका प्यार नहीं मिलता है। यदि किसी लड़की को कोई लड़की पसंद आती है, परंतु वो उसका प्यार पाने में नाकामयाब होता है, उस नाकामयाबी की वजह से दिल बहुत दुखता है। इसलिए जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वशीकरण मंत्र या टोटके का उपयोग किया जाता है। लड़की पटाने के मंत्र व टोटके बहुत लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इन वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करके वे सब कुछ हासिल करते हैं जिनके उनके जीवन में कमी है। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है, ओम नमः कामदेवाय, सहकल सहदृश सहम सह लिए वन्हे धुनन जन्म दर्शनम उत्कंठित कुरु कुरु, दक्ष दक्षु धर कुसुम वानेन हन हन स्वाहा। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप उसको देख करके अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। ये वशीकरण मंत्र बहुत ही उपयोगी है। आप 3 काल में इस मंत्र का जाप करने पर अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आप एक बार में इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के साथ आपको कामदेव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मंत्र शीघ्र से सिद्ध हो जाता है और परिणाम आपको नजर आने लगता है। लड़की को पटाने में या वशीकरण करने में ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। ओम नमः भास्कराय त्रिलोकतमाने अमूक महीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इससे किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करके लड़की को उपहार में देने से उसका वशीकरण हो जाता है और वो आपके प्रेम में पड़ जाती है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी शुभ दिन से शुरुआत करनी होती है। इस मंत्र का प्रयोग 31 दिन तक सूर्योदय के बाद उत्तर की ओर मुख करके मूंगे से बनी माला का जाप करें। इस तरह से जब मंत्र सिद्ध हो जाए, तो उपहार की किसी चीज़ पर मंत्र और माला से 21 बार जप करके उस लड़की को भेंट स्वरूप दें, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। इस मंत्र में अमूक शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको उसके स्थान पर उस महिला का नाम लेना होगा। जैसे एक और मंत्र है, इस मंत्र का भी आप प्रयोग करें और इसे भी इसी तरीके से पाठ करें। ये मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है, तेल तेल महातेल दुखुरी मोहिनी तेरा खेल, लौंग लौंगा लौंगा बैर एक लौंगा मेरी आती पाती, दूसरी लौंग दिखाए छाती, रूठे को मना लाए, बैठे को उठा लाए, सोए को जगा लाए, चलते फिरते को लिवा लाए, आकाश जोगनी पाताल का सिद्ध, वश करने वाले का नाम, जिसको आपको वश करना उसके यहाँ पे नाम ले ले, को लाग लागरी मोहिनी तुझे भैरों की आन। अब इसको वशीकरण करने के लिए क्या करना है। लड़की पटाने के मंत्र को वैसे बहुत हैं, पर आपको कुछ और टोटके मैं बताता हूँ जिससे आप लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। यदि आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं, तो आप पीपल के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। पीपल के 2 पत्ते तोड़ कर ले आएं, एक पत्ते पर उस लड़की का नाम लिखें जिससे आप पाना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद आप इस पत्ते को उसी पेड़ के नीचे पत्थर से दबा कर रख दें। ऐसा करने के बाद आप दूसरा पत्ता लें और उस पर सिंदूर से उस लड़की का नाम लिखें। इस पत्ते को अपने घर के छत पर उल्टा करके रख दें और इससे एक पत्थर रख दें। इस टोटके को करते हुए आप अपनी प्रेमिका को पाने की इच्छा करें। इस टोटके को करने से आपकी इच्छा समय आने पर पूरी हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों इस कंटेंट से रिलेटेड जानकारी। धन्यवाद।